पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का नाम कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची से हटाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, कमलनाथ का स्टार प्रचारक से नाम हटाना कानून का उल्लंघन है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं और हमारी शिकायतों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई भी की है, लेकिन कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटाना स्वयं आयोग के नियमों और कानून का खुला उल्लंघन है। स्टार प्रचारकों का नाम सूची में जोड़ने और हटाने का अधिकार राजनीतिक दल को है, न कि चुनाव आयोग को। हमने कल ही चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग का जो आदेश हुआ है, कारण क्या है कि उनका एक डबरा में दिया हुआ वक्तव्य उनसे जवाब मांगा गया। वक्तव्य कब का था? 21 अक्टूबर और 48 घंटे का उन्हें इनके हाथ मोबाइल आ रहे हैं। 48 घंटे में कमलनाथ जी ने अपना जवाब दे दिया और 26 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें एक एडवाइजरी दी, उनको एक सुझाव दिया या उनको एक निर्देश दिया कि आप अपने भाषा का को संयमित रखें। बात समाप्त हो गई। अब कल के निर्णय में कमलनाथ जी के 13 अक्टूबर के भाषण का उल्लेख करके उनको स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया। एक दूसरा, कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा है उससे ज्यादा गंभीर और उससे ज्यादा भद्दी बातें कमलनाथ जी के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और बीडी शर्मा जी, इन्होंने कही। उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। मैं बहुत सम्मान करता हूं केंद्रीय चुनाव आयोग और उन्होंने हमारी शिकायतों पे कार्रवाई की, मैं इसके लिए मुझे धन्यवाद दूंगा, लेकिन ये निर्णय जो है, जो उनका आदेश है, निराधार है और इसको सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज आज कल रात को ही कर दिया। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। वो कहते थे, चार धाम की यात्रा किए बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। सरकार भी तब तीर्थ दर्शन योजना चला रही थी। बहुत ही कम सरकारें होती हैं जो भावनाओं को भी समझती हैं। जाने की पूरी तैयारी भी थी हमारी और फिर सरकार बदल गई और तीर्थ दर्शन योजना बंद हो गई। हम बुजुर्गों की आस्था को क्यों कुचला? जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।